दोस्तों नमस्कार। प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का कंटेंट मैंने बनाया, 10-12 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पे। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जो हार्डकोर फूड टेक्नोलॉजी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी के बच्चों के लिए भी फंडामेंटल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग का कुछ कंटेंट डेवलप करिए और उसको सर उस पर कुछ वीडियोज बनाइए। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं उस पर भी बनाता हूँ। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बेसिकली जो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी के बच्चे हैं, फूड इंजीनियरिंग के बच्चे हैं बीटेक एमटेक वाले, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही रेलिवेंट है उनके कंटेक्स्ट में, उनके सिलेबस के कंटेक्स्ट में। और जो भी बच्चा फूड टेक्नोलॉजी की डिग्री करना चाहता है उसको थर्मल प्रोसेसिंग पढ़ना ही पड़ता है। हीट प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड है जिसको कि तमाम डेवलपमेंट्स होने के बावजूद भी अभी तक हम एक्सक्लूड नहीं कर पाए हैं अपने प्रोसेसिंग सिस्टम से। तो थर्मल प्रोसेसिंग, थर्मल प्रिजर्वेशन पढ़ना ही पड़ता है। और जब हम लोग थर्मल प्रोसेसिंग, थर्मल प्रिजर्वेशन पढ़ते हैं तो डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू का जिक्र आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिग्रीज भी करके चले जाते हैं और फिर आगे अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फंडामेंटली उनको नहीं समझ में आ पाता है कि एग्जैक्टली डी वैल्यू क्या है और जेड वैल्यू क्या है और एफ वैल्यू क्या है और इसको क्या इसका रेलिवेंस। और बताता हूँ, जो कुछ लोग ये थोड़ा बहुत याद भी कर लेते हैं उसके बाद अगर उनको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देने को हो जाए, तो मैंने कम से कम 500 स्टूडेंट्स पे ये टेस्ट किया है ड्यूरिंग द लास्ट 20 ईयर्स की डी वैल्यू जेड वैल्यू पढ़ाने के बाद जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देते हैं तो क्या वो उसको अप्लाई कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पाते, मैं आपको बता रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, लेकिन इस वीडियो में बेसिकली द कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि डी वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू क्या है और एफ वैल्यू क्या है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज पढ़ते हैं थर्मल प्रोसेसिंग, डी वैल्यू, जी वैल्यू एंड द एफ वैल्यू। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। बात कर रहे थे कि फंडामेंटल्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग में थर्मल प्रोसेसिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है, सारे के सारे बीटेक एमटेक फूड टेक्नोलॉजी के सिलेबस में या इवन फूड इंजीनियरिंग के सिलेबस में भी आता है, और डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू को लेकर अक्सर लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा और फिर लिंक करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम चीजों को रीड कर सकते हैं। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर आधा घंटा आप स्टे करोगे तो आधे घंटे के बाद ये कंसेप्ट कम से कम आप क्लियर करके जाओगे, डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल वर्ड्स में बताने की मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। तो शुरू करते हैं डी वैल्यू, जी वैल्यू और एफ वैल्यू। तो शुरू करते हैं थर्मल प्रोसेसिंग की डेफिनेशन से कि एग्जैक्टली थर्मल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है। सो ए प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरिंग डिग्री ऑफ हीट ट्रीटमेंट्स टू द फूड प्राइमरली टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टू इनएक्टिवेट एंजाइम्स एंड ब्रिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द फूड टेक्सचर, कलर, फ्लेवर एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो देखिए थर्मल प्रोसेसिंग बेसिकली जहां पे भी हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, जहां पे भी हम लोग हीट अप्लाई करते हैं ऑफ वेरिंग डिग्री, अलग अलग डिग्री की हीट अप्लाई करेंगे अलग अलग टेम्परेचर्स पे, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए, और बेसिक ऑब्जेक्टिव उसका किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स रहता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे थर्मल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस ऐसे हैं, थर्मल प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस ऐसे हैं जहां पे हम लोग टेक्सचरल चेंजेस की बात करते हैं, कलर फ्लेवर डेवलपमेंट की बात करते हैं या किसी दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए, इन सब चीजों की बात करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझ लें कि थर्मल प्रोसेसिंग जहां पे भी होगा वहां पे हीट एप्लीकेशन होगा, वेरिंग डिग्री ऑफ हीट एप्लीकेशन विद वेरिंग पर्पसेस। तो अब देखते हैं किस किस प्रकार से थर्मल प्रोसेसिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग। तो दो मेन कैटेगरीज हैं जहां पे, वन इज द माइल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एंड अनदर वन इज द सुवियर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। माइल्ड हीट ट्रीटमेंट जब टेम्परेचर जनरली 100 डिग्री से कम हो, छोटे टाइम पीरियड के लिए हो, तो वो उसको माइल्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बोलते हैं, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा जाते हैं और लंबे समय के लिए जाते हैं तो दे आर द सुवियर हीट ट्रीटमेंट। इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे टेबल में आप देख सकते हैं, सो माइल्ड हीट ट्रीटमेंट में द पॉस्चराइजेशन एंड द ब्लांचिंग दो चीजें आ रही है ना, पॉस्चराइजेशन एंड ब्लांचिंग। पॉस्चराइजेशन का जो पर्पस है वो आपने पढ़ा होगा, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द पर्पस ऑफ पॉस्चराइजेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इज द पर्पस ऑफ द ब्लांचिंग। तो किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होते, किलिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर। एंड टेम्परेचर्स इफ यू सी, सो मिल्क के केस में एल टी एल टी एंड एस टी एस टी प्रोसेस में हम लोग देखते हैं 63 to 71 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ मिल्क, वेयर एज इन केस ऑफ जूसेस तो 95 तक भी जा सकता है, लेकिन तब भी ये माइल्ड हीट ट्रीटमेंट है क्योंकि छोटे समय के लिए हम करते हैं, 95 पे 5-10 सेकंड के लिए करेंगे पॉस्चराइजेशन ट्रीटमेंट इन केस ऑफ फ्रूट जूसेस।
अगर ब्रांचिंग की बात करते हैं तो इट इज डन एट अप्रोक्सीमेटली 100 डिग्री, यानी 100 से ऊपर नहीं लेकिन लगभग 100 के आसपास बॉइलिंग वाटर में हम लोग इसको ट्रीट कर देते हैं। दैट इज बेसिकली ब्रांचिंग एंड इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इज द पर्पस। व्हेन यू गो फॉर द स्वीयर थर्मल ट्रीटमेंट, सो वी कैन हैव द स्टरलाइजेशन एज द फर्स्ट, फर्स्ट में हम लोग स्टरलाइजेशन देख सकते हैं। एंड हेयर वी गो फॉर किलिंग ऑफ ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम पॉस्चराइजेशन कर रहे थे तो किलिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, और जब हम लोग स्टरलाइजेशन की बात करते हैं सो किलिंग ऑफ ऑल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये इसमें डिफरेंस है पॉस्चराइजेशन स्टरलाइजेशन में। और टेम्परेचर यहाँ देख सकते हैं, सो टेम्परेचर दे कैन बी 100 to 135 डिग्री सेल्सियस, 100 से 135 डिग्री तक हम लोग जा सकते हैं। जो 135 की रेंज में पहुंचते हैं 130 to 150, सो दैट इज द अल्ट्रा हाई टेम्परेचर रेंज। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर रेंज में भी स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है, सो दैट इज हाउ इट गोज। दूसरा जो स्वीयर ट्रीटमेंट है वो है फ्राइंग। तो फ्राइंग का पर्पस जो बेसिकली होता है दैट इज द टेक्सचरल चेंज और टू रिप्लेस द वाटर विद ऑयल और द फ्राइंग मीडियम। तो टेम्परेचर वहां पे 170 से 190 डिग्री के आसपास रहते हैं और बेसिक पर्पस जो है वो टेक्सचरल चेंजेस है। बेकिंग भी एक ऐसा जो स्वीयर हीट ट्रीटमेंट वाला प्रोसेस है जहां पे 150 से 200 डिग्री तक, कभी कभी थोड़ा इससे भी ज्यादा हम लोग टेम्परेचर में चले जाते हैं। एंड टेक्सचर चेंजेस इज द पर्पस हेयर, नॉट किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड रोस्टिंग के केस में भी बेसिकली फ्लेवर और कलर्स अरोमा डेवलपमेंट इसका पर्पस रहता है बेसिकली। एंड टेम्परेचर्स आर 150 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर्स पे हम लोग हीटिंग कर रहे हैं लेकिन सारे के सारे थर्मल प्रोसेसिंग मेथड है। तो ऐसा नहीं है कि थर्मल प्रोसेसिंग सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए यूज होती है, दूसरे पर्पसेज में भी यूज होती है, लेकिन अधिकतर हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में देखते हैं क्योंकि हम इसको थर्मल प्रिजर्वेशन के हिसाब से सोचते हैं। सो दैट इज बेसिकली द थर्मल प्रिजर्वेशन। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू की। सो वहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कंटेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करें। तो थर्मल प्रिजर्वेशन समझने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से डिस्ट्रॉय होते हैं उनको समझने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व क्या होता है। तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व जो है ये जब स्टार्ट हो रहा है ऑन द वाई एक्सिस आप देख सकते हैं कि इट इज द लिविंग बैक्टीरियल सेल्स लॉगरिदम वैल्यूज। सो लॉगरिदम वैल्यूज ऑफ द लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स की लॉगरिदम वैल्यूज ये बता रहा है। लॉग स्केल में ये है क्योंकि लॉग एक्सपोनेंशियल स्केल होता है, बड़ा फास्ट फास्ट इन द मल्टीपल ऑफ टेंस ये मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं और एक्स एक्सिस में इसमें टाइम रखा है। तो अगर हम टाइम के साथ माइक्रोबियल ग्रोथ को देखते हैं तो पहले अगर कोई भी फूड होगा जब कंटेमिनेशन होगा तो इनिशियली थोड़े ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो शुरू में बड़ा कम लेवल है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या बैक्टीरियल सेल्स है, बड़े कम है। फिर धीरे धीरे वो इंक्रीज होते हैं और फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं। सो जो फर्स्ट फेज है इसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज, जहां पे नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इज देयर, इट इज द इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर देयर, दे स्टे देयर एज सच, चाहे स्पोर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं चाहे लिविंग सेल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो लेकिन उनका नंबर सेम रहता है। उसके बाद एक छोटा सा फेज आता है, फेज ऑफ पॉजिटिव एक्सेप्टेशन, जहां पे क्या होगा कि माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां से माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं फेज ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और उसके बाद सेकंड फेज आता है विच इज कॉल्ड एज द लॉग फेज, उसको हम लोग लॉगरिथम फेज या एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है फटाफट 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 मल्टीप्लाई होती है, सो इट इंक्रीजेस वेरी फास्ट एंड द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियल। सो लीनियर इंक्रीज होता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, सो दैट इज हाउ इट इज देयर। इसके बाद जब ये एक्सपोनेंशियल फेज खत्म होने को आता है सो देयर इज ए फेज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन, कि भाई नंबर ऑफ माइक्रोन बढ़ तो रहे हैं लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मतलब उनका जो रेट है वो रिड्यूस हो गया, तो इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको हम लोग कहते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन गेट्स रिड्यूस्ड, सो दैट इज वाई द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज देयर। उसके बाद एक फेज आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में हम लोग ये कहते हैं कि जितने बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, जितने मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही मर भी जा रहे हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट रिमेंस सेम। तो ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं, सो द रेट ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डेथ दे आर रफली इक्वल, सो दैट इज व्हाई देयर इज अ स्टेशनरी फेज, एक लेवल इक्वल हो जाता है स्टेशनरी फेज। और फोर्थ फेज जो आता है दैट इज द डेथ फेज, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिक्लाइन करना शुरू हो जाते हैं और जो डेथ है वो ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ डिविजन्स, सेल डिविजन्स के कंपेरिजन में डेथ ज्यादा होती है, इसलिए इट इज द डेथ फेज। सो कुल मिला के एक सिग्मोइड हमको कर्व मिलता है बेसिकली एस की फॉर्म में। सो हेयर यू कैन सी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, शुरू में लैग फेज, फिर लॉगरिथम फेज, फिर स्टेशनरी फेज और फिर डेथ फेज। इसके बीच में फेज ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फेज ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जहां पे हम लोग को टारगेट करते हैं बेसिकली, सो दैट इज द लॉग फेज, विच इज द बेस्ट फेज फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज द लॉगरिथम फेज, लॉगरिथमिक फेज और द एक्सपोनेंशियल फेज, जहां पे सबसे ईजी होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना क्योंकि उनका नंबर दे आर फास्ट डिवाइडिंग एट दैट टाइम। सो दैट इज वाई ये भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस फेज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना सबसे ईजी होता है, सो दैट इज द लॉगरिथमिक फेज। भाई अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे कि
ये डी वैल्यू, जी वैल्यू, एफ वैल्यू क्या है। तो पहले शुरू करेंगे डी वैल्यू से। तो डी वैल्यू बेसिकली क्या है, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो डी वैल्यू इज द टाइम इन मिनट। तो पहले तो हमको ये समझ में आ रहा है कि डी वैल्यू क्या है, टाइम है। डी वैल्यू इज मेजर्ड एज ए टाइम, सो इट इज टाइम इन मिनट एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय वन लॉग साइकिल, यानी कि 90% ऑफ द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है, अगर हम लोग उनकी पॉपुलेशन को 90% डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि अगर 100 है उसमें से हमने 90 डिस्ट्रॉय कर दी, फिर 10 ही बच गए, तो कितना टाइम लगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये काम करने के लिए, ये किलिंग करने के लिए, उसको हम लोग डी वैल्यू बोलते हैं। तो जितना टाइम लगा उतनी डी वैल्यू, अगर 5 मिनट लगा 5 मिनट डी वैल्यू, अगर 1000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमको 90% किल करने, यानी कि 900 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो डी वैल्यू। सो टाइम इन मिनट एट ए गिवन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय वन लॉग साइकिल, यानी 90% ऑफ द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज द डी वैल्यू, एंड इट इज द मेजर ऑफ द हीट रेजिस्टेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको मेजर ऑफ हीट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अब देखने की कोशिश करते हैं कि भाई हो कैसे रहा है। अगर आप वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो वाई एक्सिस इज द पॉपुलेशन इन द लॉग स्केल, पॉपुलेशन इन द लॉग स्केल है वाई एक्सिस पे दी हुई। लॉग स्केल का क्या मतलब होता है कि हर बार मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगी, हर बार मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगी एक पॉपुलेशन। तो अगर हम लोग नीचे से शुरू करें, इनिशियली 0.05, तो 0.05 के बाद सॉरी इट इट हैज टू बी 0.5 एक्चुअली, इसको आप 0.5 रीड करें। सो 0.5 के बाद इट इज 5, 5 इंटू 10 इज पावर 0 यानी कि 1, सो 5 इंटू 1 इज 5, इससे नीचे 0.5, इसको 0.5 पढ़ लो भाई, ये थोड़ा सा इसमें कहीं कमी रह गई, सो इट इज 0.5। नाउ वी स्टार्ट विद 0.5, सो दिस इज 0.5, देन इट इज 5, देन इट इज 50, 5 इंटू 10 इज 50, 5 इंटू 100 इज 500, 5 इंटू 1000 इज 5000, 5 इंटू 10000 इज 50000, 5 इंटू 10 पावर 5 इज 5 लाख, एंड लाइक वाइज। तो हर बार आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाइड बाई 10 हो रहा है पॉपुलेशन, सो दैट इज वाई दिस इज ए लॉग स्केल। अगर हम डिक्रीज भी करेंगे इस लॉग स्केल में, तो अगर हम एक लेवल से नीचे वाले लेवल में आते हैं, तो वहां पे हमको पता लगता है कि 90% पॉपुलेशन कम होगी। अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, दिस इज 5 इंटू 10 पावर 5, 5 इंटू 10 पावर 5 मीन्स 5 लाख, एंड 5 इज टू 10 पावर 4 मीन्स 50,000। तो 5 लाख अगर 50,000 में हम डिफरेंस करें, तो इसका मतलब 90% हमने कम कर दिया, 4.5 लाख कम कर दिए, तो कितने बचे, 50,000। तो इसलिए 10 टाइम्स कम हो गया। अब 50,000 में से अगर हम लोग 10 टाइम्स और कम करते हैं, दिस इज 5,000। सो दैट इज वाई दिस इज ए लॉग स्केल, एवरी टाइम देर इज ए चेंज ऑफ मल्टीप्ल चेंज इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंस, सो लॉग स्केल इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे देखेंगे, इट इज टाइम इन मिनट्स। एक्स एक्सिस पे क्या दिया, टाइम इन मिनट्स। तो अब डी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पॉपुलेशन आपका 10^4 है, तो भाई 10^4 इनिशियल पॉपुलेशन था, तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है इस ग्राफ पे, इस प्लॉट पे, यहाँ पे पॉइंट आता है। जब मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, इट रीचेज समवेयर अराउंड हियर, तो इस पॉइंट पे अगर मैं रीड करता हूँ, इट इज अबाउट 13.75, जो ये आपका ये टाइम आ रहा है, विच इज द टी वन। सो टी वन इज बेसिकली जो टी वन आ रहा है यहाँ पे, सो टी वन इज 13.75। और अब हम मैंने हीट किया, हीट करने के बाद एक लॉग साइकिल रिडक्शन हुआ माइक्रोबियल पॉपुलेशन में, 5 इंटू 10^3 पे माइक्रोबियल पॉपुलेशन आ गई, और मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया ये काम करने के लिए, तो मैं पहुंच जाता हूँ टी टू पे। तो टी टू यहाँ पे है, टी टू की वैल्यू 17.25 रीड कर सकते हैं हम लोग इस ग्राफ से, सो इट कम्स एट टू एट 17.25, दिस इज वैल्यू ऑफ टी टू। टी टू को मैं समझ लूँ कि ये टी टू है, ये 17.25। तो अगर मुझे डी वैल्यू निकालनी होगी, तो एक लॉग साइकिल को ट्रेवल करने के लिए मुझे कितना समय लगा, तो मैं क्या करता हूँ, टी टू माइनस टी वन, और मुझे फिर एक वैल्यू मिल जाती है 3.5 मिनट्स, विच इज माई डी वैल्यू। तो ये डी वैल्यू हुई कि एक लॉग साइकिल ट्रेवल करने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, कितनी देर मैं हीट करूं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ताकि एक लॉग साइकिल माइक्रोबियल पॉपुलेशन कम हो जाए, या 90% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड। सो बेसिकली डी वैल्यू क्या हुआ कि 90% ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल बी डिस्ट्रॉयड। अब इसी प्लॉट पे एक और जगह कहीं प्लॉट करके देखते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका जो टेन थीटा है वो बराबर रहेगा, इसलिए हमेशा डी वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप कहीं पे भी इसको करके देख लीजिए, आप खुद भी प्लॉट करके देख सकते हैं, सो यू कैन चेक। नाउ इसमें फिर दोबारा देखते हैं, तो इसमें टी वन क्या है, टी वन यहाँ पे आ रहा है 25 के आसपास है, तो मोर करेक्टली 24.75 वैल्यू है टी वन की। और टी टू यहाँ पे क्या है, टी टू इज बेसिकली 28.25 टी टू की वैल्यू। तो T2 माइनस T1, 28.25 माइनस 24.75, अगेन इट कम्स आउट टू बी 3.5। तो कुल मिला के डी वैल्यू अक्रॉस द स्लोप विल रिमेन सेम,
तो डी वैल्यू यहाँ पे भी सेम है, ये डी वैल्यू पहली बार भी सेम थी 3.5, और डी वैल्यू यहाँ पे भी सेम है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो डी वैल्यू बेसिकली वो टाइम जो कि 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए लगता है, उसको हम लोग डी वैल्यू बोलते हैं, जब हम किसी फूड को हीट कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक लॉग साइकिल ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लगेगा माइक्रोबियल पॉपुलेशन में, उसको किल करने के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट इज डी वैल्यू एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड दिस डी वैल्यू इज मेजर्ड इन मिनट्स। सो हियर डी वैल्यू इज द टाइम इन मिनट्स। तो डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ेंगे, सो डी वैल्यू इज द टाइम इन मिनट्स एट ए गिवन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय 90% ऑफ द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय वन लॉग साइकिल ऑफ द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो दैट इज हाउ द डी वैल्यू लुक्स लाइक, दैट इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो डी वैल्यू इज द टाइम इन मिनट्स। अब आते हैं भाई दूसरी इंटरेस्टिंग टर्म पे, जिसको हम लोग जी वैल्यू बोलते हैं या जेड वैल्यू भी बोलते हैं। तो जी वैल्यू क्या है? डी वैल्यू थी टाइम इन मिनट्स, तो जी वैल्यू इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए, डी वैल्यू क्या थी? टाइम इन मिनट्स, तो एक्स एक्सिस पे क्या था? टाइम इन मिनट्स। ये क्या है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या है? एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। वहां पे क्या था? एक्स एक्सिस पे वहां पे टाइम इन मिनट्स था। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, बिकॉज डी वैल्यू इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। नीडेड टू ब्रिंग अबाउट वन लॉग साइकिल चेंज इन द डी वैल्यू, एक लॉग साइकिल चेंज करना है डी वैल्यू में। अब यहाँ पे डी वैल्यू प्लॉट करिए, वाई एक्सिस पे क्या है? पॉपुलेशन नहीं है, ध्यान दीजिए, पॉपुलेशन नहीं है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारी डी वैल्यू। तो डी वैल्यू इन मिनट्स में अगर एक लॉग साइकिल चेंज करना हो, एक लॉग साइकिल मीन्स 90% रिडक्शन, तो 90% रिडक्शन अगर डी वैल्यू में करना होगा तो हमको भाई कितना टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, वो जेड वैल्यू कहलाता है, वही जी वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस को आप देख रहे हैं तो सबसे ऊपर क्या है? 300। 300 को मैं 90% अगर रिड्यूस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक लॉग साइकिल, यानी एक जीरो कम हो जाएगा, एक जीरो कम हो गया तो मुझे क्या मिल गया? 30। तो 300 मिनट्स, क्योंकि ये डी वैल्यू है तो मिनट्स में है, 300 मिनट्स, 30 मिनट्स। फिर एक लॉग साइकिल और कम किया, 90% रिडक्शन, 30 का 90% कितना होता है? 27 माइनस कर देंगे तो 3 बच गया। तो एक हमने एक डेसिमल कम कर दिया, 30 का बन गया 3। एक नीचे लेवल पे आएंगे 0.3, और नीचे लेवल पे आएंगे 0.03, और नीचे लेवल पे आएंगे 0.003, और भी नीचे लेवल पे आएंगे तो 0.0003। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हर बार एक लॉग साइकिल जब हम चलते हैं, सो देयर इज 90% रिडक्शन इन द टाइम विच इज डी वैल्यू प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। तो जो डी वैल्यू थी उसका जो प्लॉट था वो पॉपुलेशन वर्सेस टाइम था, यहाँ पे जी वैल्यू है इसका प्लॉट जो है दैट इज द डी वैल्यू ऑन द लॉग स्केल वर्सेस द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम फिर दोबारा डेफिनेशन को पढ़ते हैं, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस नीडेड टू ब्रिंग अबाउट वन लॉग साइकिल चेंज इन द डी वैल्यू। तो डी वैल्यू को एक लॉग साइकिल चेंज करने के लिए कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उसको हम लोग जी वैल्यू बोलते हैं या जेड वैल्यू बोलते हैं। अब इसको भी एक बार प्लॉट करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो अगर मैं यहाँ देखूं, मैं 30 पे, अगर इसको 30 पे अगर हम लोग फर्स्ट लेवल मान लेते हैं, तो 30 पे जब मैं देख रहा हूँ, सो यहाँ पे जो ये प्लॉट है, जब ये वाला पॉइंट आता है कर्व पे, इसको जब मैं ड्रॉप करता हूँ तो आई रीच हेयर, से फॉर एग्जाम्पल इट इज द T1 टेम्परेचर 1। तो टेम्परेचर 1 यहाँ पे अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो इट इज 62.50। हाँ, इफ आई रीड फ्रॉम द ग्राफ द टेम्परेचर T1 इज 62.50, और T2 को जब मैं पढ़ता हूँ, सो T2 अगर मैं पढ़ूं, सो इट कम्स अराउंड हेयर एंड द वैल्यू इज 71.5। तो 71.5 है T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू है 62.5, ये पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे मैंने 30 और 3 लिया, यानी कि एक लॉग साइकिल चेंज किया, 30 से 3 तक आने में कितना लगा? एक लॉग साइकिल चेंज हो गया डी वैल्यू, यहाँ पे क्या हो गया? एक लॉग साइकिल डी वैल्यू चेंज हो गया, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जी वैल्यू कितना हो रहा है? T2 माइनस T1, यानी 71.5 माइनस 62.5, तो ये मुझे मिलता है 9 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है? 9 डिग्री सेल्सियस। तो 9 डिग्री अगर मैं सेल्सियस इंक्रीज करता हूँ टेम्परेचर को, तो मैं डी वैल्यू में एक लॉग साइकिल चेंज कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कि से फॉर एग्जाम्पल आपके पास दूध है जिसको आपको हीट करना है, या आपके पास जूस है, बेवरेज है जिसको आप हीट करना चाह रहे हैं, पॉस्चराइज करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं उसको 62 पे पॉस्चराइज कर रहा हूं तो मुझे 30 मिनट लगेगा, लेकिन अगर मैं 71.5 पे पॉस्चराइज करूंगा तो मुझे सिर्फ 3 मिनट लगेगा। ये मतलब हुआ इसका कि 9 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो डी वैल्यू एक लॉग साइकिल कम हो जाएगी, यानी कि मेरा जो थर्मल प्रोसेस टाइम है, डी वैल्यू है एक लॉग साइकिल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, डी वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? एक लॉग साइकिल कम हो जाएगा, और एक लॉग साइकिल कम करने के बाद वो आ जाएगा 3 मिनट पे। तो मुझे 90% रिडक्शन के लिए सिर्फ 3 मिनट लगेगा अगर मैं जो है
3 मिनट पे 75 पे करता हूँ, 71.5 पे करता हूँ, T2 पे करता हूँ। तो T2 क्या है, 71.5 पे अगर हीट करूंगा तो 3 मिनट, अगर 62.5 पे हीट करूंगा तो 30 मिनट टाइम लगेगा। इसको एक लॉग साइकिल ट्रेवल करवाने के लिए डी वैल्यू को मुझे अगर जेड वैल्यू निकालनी पड़े, सो दैट इज 71.5 माइनस 62.5 यानी कि 9 डिग्री सेल्सियस। अब किसी दूसरे टेम्परेचर पे देखते हैं इसी कर्व में, तो अगर मेरी वैल्यू है 0.03 मिनट्स, डी वैल्यू कितनी है 0.03 मिनट्स, बड़ा कम है, उसको मैं और कम करना चाहता हूँ, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हम लोग जा रहे हैं सपोज, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 0.003 मिनट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आता है और 0.003 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आता है, इसको हम लोग ड्रॉप करवाते हैं, सो आई रीच हेयर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई टी वन की, जो टी वन मुझे मिल रहा है यहाँ पे, सो दैट इज 90, और जो टी टू मुझे मिल रहा है, T2 is the 99. T2 कितना है? 99. तो ये दो पॉइंट इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 99 और इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 90. तो मैं 99 माइनस 90 जब करता हूं तो मुझे फिर दोबारा से क्या मिल गया, 9 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं जी वैल्यू फर्स्ट वाले केस में भी 9 डिग्री सेल्सियस थी, जी वैल्यू सेकंड वाले केस में भी 9 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि दोबारा से फिर ये स्ट्रेट लाइन कर्व है तो इसमें हमेशा सेम ही रहेगी। तो आप समझने की कोशिश करिए कि डी वैल्यू तो थी टाइम इन मिनट्स और y-axis पे था microbial population in log scale. Z value जो है, that is the temperature in degree Celsius required to bring about one log cycle changes in the D value. तो D value को plot करेंगे x-axis पे, log scale में करेंगे plot, 333, 0.3, 10 times वो हमेशा decrease होता रहेगा. This is the log scale. So the D value measures the temperature sensitivity. टेम्परेचर सेंसिटिविटी, जितना ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है उतना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव हो जा रहे हैं और जल्दी किल हो जा रहे हैं, सो दैट इज इट मेजर द टेम्परेचर डिपेंडेंस और द टेम्परेचर सेंसिटिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस प्रकार से हम लोग वर्कआउट करते हैं द जी वैल्यू। आगे देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, लिंक बनाएंगे कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कैसे होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिलहाल हमको ये समझ में आना चाहिए कि D वैल्यू है टाइम इन मिनट्स और Z वैल्यू है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एक लॉग साइकिल चेंज हो रहा है वाई एक्सिस पे, दोनों में, फर्स्ट वाले केस में पॉपुलेशन में, दूसरे वाले केस में D वैल्यू। तो भाई आगे बढ़ते हैं F वैल्यू। तो F वैल्यू में तो मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, इसमें तो लोगों को कंफ्यूजन रहता ही है, वो थोड़ा सा रट्टा बट्टा लगा के याद कर लेते हैं, लेकिन आप आज फंडामेंटली समझने की कोशिश कीजिए, अगले 5 मिनट दीजिए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कंसेप्ट F वैल्यू को क्या है। भाई एफ वैल्यू कुछ नहीं होता है, एफ वैल्यू होता है एन नंबर ऑफ डी लॉग साइकिल्स, एफ नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ डी वैल्यूज, इतना ही होता है, एफ इज इक्वल टू एन डी, आप याद रखिए, एफ इज इक्वल टू एन डी, एफ इज इक्वल टू एन डी, इसको याद कर लीजिए और इसी को ही अप्लाई करना, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे। पहले थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं एफ वैल्यू की, डेफिनेशन क्या है, एफ वैल्यू इज द नंबर ऑफ मिनट्स। अब आप देखिए क्योंकि एन डी है तो ये भी मिनट्स में, डी भी मिनट्स में था तो ये भी मिनट्स में, एफ वैल्यू इज ऑल्सो इन मिनट्स, तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई इसका भी यूनिट मिनट ही है। F value is the number of minutes required to kill a known population. D value के केस में क्या था? एक log cycle, 90% population को kill करना था, तो वो D value था। यहाँ पे क्या है? एक known population को kill करना है हमको। Known population of the microorganism under specified conditions. तो ये क्या होगा? The F value. तो बड़ा simple है। F is equal to ND की तरह याद करेंगे तो बड़ा easily याद हो जाएगा। So F is equal to ND, where F is the total thermal process time at a specific temperature. Thermal process time in minutes at a specific temperature. N is the number of log cycles which are required to be traveled. And D is the D value in minutes at a specific temperature. At the same temperature जिस पे F value हम लोग करने वाले हैं, D value को भी उसी पे calculate करना पड़ेगा, तभी ये formula apply हो सकता है, otherwise नहीं हो सकता है। तो अगर नहीं है तो हमको convert करना पड़ता है D values को F के equivalent लाने के लिए, वो देखेंगे आगे कैसे होता है, लेकिन फिलहाल हम ध्यान रखें कि F is equal to ND, simple formula है, इसको याद रखेंगे सारा solution हो जाएगा। तो F बेसिकली क्या करता है, वी यूज D वैल्यू फॉर किलिंग 90% पॉपुलेशन एंड वी यूज F वैल्यू फॉर किलिंग स्टेटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन, स्टेटेड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो हम लोग D वैल्यू को यूज करेंगे, और अगर 90% पॉपुलेशन को किल करना है तो हम लोग वैल्यू करेंगे, F वैल्यू को यूज करेंगे, सो दैट इज हाउ इट इज डन। अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, अगर किसी प्रोसेस में D वैल्यू 121.1 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिनट है, किसी प्रोसेस में D वैल्यू कितनी है 3 मिनट है, और इनिशियल पॉपुलेशन दी है हमको 10^5, 5 × 10^5 इनिशियल पॉपुलेशन दी है हमको, पूछा गया कि फाइंड एफ वैल्यू फॉर ब्रिंगिंग द पॉपुलेशन टू लेस देन 1, यानी कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मार दो, लेस देन 1 मतलब क्या होता है, एक से कम मतलब 0, सो लेस देन 1 लाने के लिए हमको एफ वैल्यू क्या होगी ये बताइए। तो एफ को यूज करेंगे एन डी, अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि एन क्या होगा, डी तो दिया है, डी 3 मिनट दिया है,
एफ हमको फाइंड आउट करना है, हमको पता क्या नहीं है, एन पता नहीं है, तो एन पता करने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा डी के प्लॉट से जानेंगे कि कैसे। तो डी वैल्यू क्या थी, एक लॉग साइकिल ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, वो डी वैल्यू थी। तो फर्स्ट इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, 5 × 10^5 यानी कि 5 लाख, 5 × 10^5 यानी 5 लाख, ये इनिशियल पॉपुलेशन है। मैं एक लॉग साइकिल जब ट्रेवल करूंगा तो 5 × 10^4 बच जाएगी यानी कि 50,000। एक लॉग साइकिल चलने के बाद कितनी बच गई, 50,000। एक लॉग साइकिल और चलेंगे कितनी बच जाएगी, 5,000, 5 × 10^3। एक लॉग साइकिल और चलेंगे तो 5 × 10^2 यानी 500। एक लॉग साइकिल और चलेंगे 50, एक लॉग साइकिल और चलेंगे 5, और अब एक लॉग साइकिल चलेंगे तो बन जाएगा 0.5। और 0.5 क्या है, इट इज लेस देन 1, एक से कम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे के सारे मर गए। तो 0.5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हमारे पास बचते हैं अगर हमने एक लॉग साइकिल और ट्रेवल किया। अब नंबर ऑफ लॉग साइकिल देखते हैं कितनी हुई, एक लॉग साइकिल यहाँ पे 5 लाख से 50,000, दूसरी लॉग साइकिल 50,000 से 5,000, तीसरी लॉग साइकिल 5,000 से 500, चौथी 500 से 50, फिर 50 से 5, और फिर 5 से 0.5। कुल मिला के 6 लॉग साइकिल्स यहाँ पे यूज हुई। अगर हमको पॉपुलेशन को 10 5 × 10^5 से लाना है लेस देन 1 तक लाना है, तो कितनी लॉग साइकिल लग रही है, 6। अब मैं क्या करूंगा, इसको 6 को F(ND) में पुट अप कर दूंगा, एन इज इक्वल टू 6। तो डी वैल्यू हमारे पास दिया था 3 मिनट, और एन हमने फाइंड आउट कर लिया 6 मिनट, तो एफ फाइंड आउट करेंगे एफ इज इक्वल टू एन डी, तो एन डी में करेंगे तो 6 × 3 मिनट्स इज इक्वल टू 18 मिनट। तो हुआ क्या कि भाई अगर तो 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है तो 3 मिनट लग रहा है, लेकिन अगर 5 × 10^5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको डिस्ट्रॉय करना है तो लगेंगे 18 मिनट, बिकॉज इट इज एन नंबर ऑफ लॉग साइकिल वी हैव टू ट्रेवल, 6 × 3 इज इक्वल टू 18। बड़ा ही सिंपल है, अगर आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे तो सिंपल होगा। बाकी किताबों में बहुत सारे मुश्किल मुश्किल तरीके दिए हैं, तो वो पढ़ के अब आप इसके बाद पढ़ेंगे तो शायद वो आप बेटर समझ पाए। किसी भी बुक को रेफर कीजिए, किसी भी अच्छी किताब को रेफर कीजिए, तो वहां पे आपको बहुत क्लियरली मिलेगा। लेकिन एफ इज इक्वल टू एन डी याद रखेंगे तो आप एफ वैल्यू कभी भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो भाई हमने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल किए, हमने 5 लाख - 0.5, क्योंकि 0.5 फाइनल पॉपुलेशन कितनी थी, 0.5, तो 5 लाख - 0.5 हुआ 4,99,999.5। तो जब हम इसको, क्योंकि आधा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं मर सकता है, कोई भी माइक्रो में आधा मरा हुआ नहीं हो सकता है, सो अल्टीमेटली इट इज ऑल द 5 लाख माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव डिस्ट्रॉयड, सो दैट इज वाई द फाइनल पॉपुलेशन इज लेस देन 1। तो मैं समझता हूँ कि आपको एफ वैल्यू का कंसेप्ट समझ में आया होगा, याद रखना है एफ इज इक्वल टू एन डी। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करके भी देखेंगे कि इसमें कैसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, और ज्यादा और एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए कंसेप्ट समझने के लिए एफ जो होता है वो टोटल थर्मल प्रोसेस बताता है, एफ इज ऑल्सो इन मिनट्स। तो डी वैल्यू मिनट्स में, जी वैल्यू डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर, और एफ वैल्यू फिर दोबारा मिनट्स में, एफ इज इक्वल टू एन इंटू डी। तो अब और एक इंटरेस्टिंग फेज में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई अब ये हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम थर्मल प्रोसेस कैलकुलेशंस में कैसे यूज होता है और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें इसमें है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप देखिए बड़े ध्यान से। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो टेबल दिया है, टेबल में जी वैल्यूज दिए हैं जो स्टैंडर्ड जी वैल्यूज हैं किसी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो जी वैल्यू दिए यहाँ पे बैक्टीरिया की, जी वैल्यू दिया है 5 to 10 डिग्री सेल्सियस यानी कि 5 से 10 डिग्री अगर हम लोग सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डी वैल्यू उसकी एक लॉग साइकिल कम हो जाएगी। तो 5 to 10 इज द जी वैल्यू इन केस ऑफ बैक्टीरिया। विटामिन्स की डी वैल्यू जो दी है दैट इज 20 to 25, एंजाइम्स की दी है 30 to 40, एंड पिगमेंट्स की दी है 40 to 70। तो फिलहाल कंसंट्रेट करते हैं दो पे ही, और 5 to 10 डिग्री सेल्सियस बैक्टीरिया की और 20 to 25 डिग्री सेल्सियस जो विटामिन की। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पे हमारे पास डी वैल्यूज आई। अगर इन डी वैल्यूज को मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ में, तो मुझे पैथोजन का एक ग्राफ मिल जाएगा जो कि मैंने रेड कर्व से डिनोट किया है। तो यहाँ पे डी वैल्यू है 5 5 to 10 मिनट्स, और विटामिन का कर्व मुझे मिल जाएगा जिसमें कि जी वैल्यू को प्लॉट करेंगे 20 to 25 मिनट। तो दोनों का कर्व देख रहे हैं, तो जितनी ज्यादा डी वैल्यू होगी उतना जो स्लोप होगा वो जेंटल स्लोप होगा, और जितनी डी वैल्यू कम होगी उतना स्लोप जो होगा वो एब्रप्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 थीटा जो है वो फिक्स्ड है लेकिन एब्रप्ट है, स्लोप इसका बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आपका स्लोप जेंटल है, ये वाई एक्सिस पे कम आ रहा है, और उतने ही ट्रेवल करने के लिए एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे चेंजेस कम आ रहे हैं, इसलिए स्लोप क्या है, जेंटल स्लोप है। तो जितना आपका जी वैल्यू कम होती है तो उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा जी वैल्यू ज्यादा होती है उतना जेंटल स्लोप, और जितना जी वैल्यू कम होती है उतना एब्रप्ट स्लोप आएगा। सो इससे हमको ये पता लगता है। अभी हमने प्लॉट किया ग्रीन कर्व विटामिन के लिए और पैथोजेंस के लिए, ये रेड कलर से प्लॉट किया है। तो अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब एग्जैक्टली देखते हैं कि जी वैल्यू फिर क्या आई है, एक्चुअली में सच्ची में वो उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पिछले में हमने
कुछ समय पहले देखा था कि जी वैल्यू को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, फिर दोबारा जी वैल्यू को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक है 3 मिनट्स और 0.3 मिनट्स। तो ग्रीन कर्व को अगर मैं देखता हूँ तो मैंने 3 मिनट्स और 0.3 मिनट पे इसको प्लॉट किया है। तो 3 मिनट्स की अगर वैल्यू को मैं कॉरस्पॉन्ड करूंगा, मुझे 2 पॉइंट्स मिले, एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट मुझे कर्व पे ये मिला। इनको मैंने ड्रॉप करवाया तो यहाँ पे मुझे मिल गया द T1, T1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, और ये मिल गया मुझे इस पॉइंट पे ड्रॉप करवाया तो ये मुझे मिल गया T2। तो जब मैं इन दोनों वैल्यूज को, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देखता हूँ, तो T2 जो है ये हमारा 96.5 है, T2 इज 96.5, इट इज क्लोज टू 100, एंड T1 इज 74, इट इज हेयर समवेयर बिटवीन 70 एंड 80। तो T1 जो है हमारा 74 है, दोनों को माइनस करेंगे तो मुझे जी वैल्यू मिल गई 22.5। यानी कि अगर मैं इसको विटामिन की जी वैल्यू से कॉरस्पॉन्ड करता हूँ तो हाँ भाई ये कर्व लगभग सही बना है, तो ये इसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये कर्व सही बना है और जी वैल्यू हमारी ये 22.5 ही आ रही है, स्लोप इसका जेंटल है, स्लांटिंग। अब देखते हैं पैथोजेंस के केस में क्या हो रहा है। पैथोजेंस की जी वैल्यू 5 to 10 मिनट्स होती है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, इसके लिए 2 पॉइंट्स लिए 0.03 और 0.003 वाई एक्सिस पे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जो मुझे मिलते हैं एक्स एक्सिस पे वो मिल गए, यहाँ पे मिल गया मुझे 81 और यहाँ पे इस कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई एक्स एक्सिस पे पॉइंट मिलेगा मुझे 88। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब T2 और T1 को मैं प्लॉट करता हूँ, इट बिकम्स 88 - 81 एंड आई गेट 7। सो 7 इज ऑल्सो समवेयर इट बिटवीन 5 to 10। तो हमको ये समझ में आता है कि ये प्लॉट भी सही बना है और इसका कर्व, इसका जो स्लोप है वो भी सही है पैथोजन के जी वैल्यू के हिसाब से। तो इसका आ रहा है जी वैल्यू 7। तो कुल मिला के इस प्लॉट में अगर हम देखेंगे तो विटामिन की जी वैल्यू आ रही है 22.5 और जो हमारे पैथोजेंस हैं उनकी जी वैल्यू आ रही है 7। तो हमको ये ध्यान देना है कि हमेशा पैथोजन का जो कर्व बनेगा वो एब्रप्ट स्लोप होगा और विटामिन का जो कर्व बनेगा वो जेंटल होगा, बिल्कुल कम स्लोप उसमें रहेगा, एब्रप्ट नीचे की तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो जी वैल्यू है वो ज्यादा होती है विटामिन की। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये सब हम क्यों समझ रहे हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई अब ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जी वैल्यू का मतलब क्या होता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो मैंने इस तरफ लिखा है डेथ और डिस्ट्रॉयड, ऊपर वाली तरफ, यहाँ पे मैंने लिखा है लाइफ और सर्वाइव। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप खुद को कहीं इस पॉइंट पे इमेजिन करते तो यहाँ पे कुछ ना कुछ माइक्रोबियल पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन कुछ समय लगेगा, इतने इतने मिनट में उसको कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर इतने ही मिनट मैं ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाता हूँ, आप इस लाइन को क्रॉस करके इधर आ जाइए इस लाइन से, यानी कि आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। यहां से यहाँ आने में क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर कितना था, लगभग 60 और 70 के बीच में, यहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 80 और 90 के बीच में, 80 के आसपास पहुंच गया। तो 60 70 के बीच में टेम्परेचर था, से फॉर एग्जाम्पल 65 था, और यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच गया 80, यहाँ पे मान लिया 65 है और इधर पहुंच गया टेम्परेचर 80। तो भाई 65 से अगर मैं 80 पे आ रहा हूँ और हमने वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं किया, यानी कि टाइम इन मिनट मैंने उतना ही रखा है, मैं उस टाइम इन मिनट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, उतना ही टाइम में हीट कर रहा हूँ, तो होगा क्या, लाइफ से मैं किस में आ जाऊंगा, डेथ में आ जाऊंगा, क्योंकि भाई यहाँ तो बड़ी जल्दी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दैट इज वाई इट इज रिप्रेजेंटेड दैट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व, ऑन द टॉपर साइड ऑफ द कर्व वी हैव डेथ जोन, यहाँ पे सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे जल्दी जल्दी, एंड ऑन द लोअर साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कर्व, जी वैल्यू कर्व, देयर इज लाइफ, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे सर्वाइव और द विटामिन मे सर्वाइव, वट एवर इज देयर इट विल सर्वाइव। तो इस तरफ ये जोन क्या हुआ, जो कर्व के राइट हैंड साइड में इट इज द डेथ जोन, और इस तरफ जो क्या हुआ, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट इज ए लाइफ जोन। सो लाइफ हेयर डेथ हेयर, ये हमको समझना है, इसमें इतना ही समझना था। किया क्या हमने कि टाइम को सेम रखा और उसी टाइम पे हम लोग ट्रेवल किए एक टेम्परेचर जोन से, 65 से हम 80 की तरफ आ गए। तो जब 80 पे आ जाएंगे तो ऑब्वियसली जल्दी डी वैल्यू चेंज हो जाएगी उस पर, तो जब डी वैल्यू चेंज सॉरी जी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वहां पे जब जी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो देयर इज अ डेथ जोन। इसको और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि कर्व के राइट हैंड साइड में क्या है, डेथ जोन है, और कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लाइफ है। तो लाइफ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड डेथ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कर्व। तो अगर हम लोग अब सबसे पहले पैथोजन का कर्व देखते हैं, तो पैथोजन के कर्व में देखिए इस जोन में क्या है, डेथ जोन। पैथोजन के लिए यहाँ पे क्या है, डेथ है, क्योंकि ये उस कर्व के राइट हैंड साइड में, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइफ है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लाइफ है, किसके लिए, पैथोजन के लिए। अब हम विटामिन का कर्व जब देखेंगे तो विटामिन के लिए डेथ जोन कहाँ है, राइट हैंड साइड में, और विटामिन के लिए लाइफ जोन कहाँ है, फिर दोबारा लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो कॉमन स्पेस बना, ये वाला स्पेस जो कॉमन स्पेस है, यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए
यहाँ पे ये हो रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तो ये डेप्थ है, लेकिन विटामिन्स के लिए क्या है, ये लाइफ जोन है। आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बच जाएंगे, लेकिन जो सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मर जाएंगे और विटामिन्स आपके सेव हो जाएंगे। तो फूड प्रोसेसिंग में हमको चाहिए क्या, हमको यही तो चाहिए कि हमारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय ना हो लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाए। यही खूबसूरती है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम कंसेप्ट की, HTST कंसेप्ट। व्हाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर डिस्ट्रॉयड बट द न्यूट्रिएंट्स दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जी वैल्यूज। अगर मैं इसको और ज्यादा क्लेरिफाई करूं, तो ये देखिए ये शेडेड जोन जो आ गया, अब दिस इज द लाइफ एंड डेथ जोन, लाइफ फॉर द विटामिन्स एंड डेथ फॉर द बैक्टीरिया पैथोजेंस। पैथोजेंस मर जा रहे हैं भाई, बैक्टीरिया मर जा रहा है, और जो विटामिन्स हैं वो यहाँ पे लाइव हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस HTST जोन। तो हमको अपने प्रोसेस के लिए वो जोन आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्या टेम्परेचर टाइम रिलेशनशिप हो। जैसे सपोज दिस इज 0.3, तो भाई मैं 0.3 पे अगर मैं हीट करूं तो आई विल बी समवेयर हेयर, तो 80 डिग्री पे मुझे 0.3 मिनट के लिए हीट करना है, तो मेरे जो विटामिन्स हैं वो बच जाएंगे और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। या फिर मुझे अगर 100 पे मैं हीट कर रहा हूं तो मुझे 0.003 मिनट के लिए हीट करना पड़ेगा ताकि हमारे न्यूट्रिएंट सेव हो जाए और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाए। ये बहुत ही सुंदर इसमें से कंसेप्ट निकल के आता है, ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द जी वैल्यू। तो जो डिफरेंस इन जी वैल्यू हमने देखी थी जो पैथोजेंस का, कि 5 to 10 मिनट्स फॉर पैथोजन एंड 20 to 25 मिनट्स इन केस ऑफ विटामिन, ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन जी वैल्यू। हम बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि साहब जी वैल्यू क्यों पढ़ना, जी वैल्यू, ये HTST कंसेप्ट निकला ही इससे है। हम लोग ध्यान दें कि HTST कंसेप्ट निकला इससे है, इसलिए जी वैल्यू को पढ़ना जरूरी है और जी वैल्यू के कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, टेम्परेचर इज हाई, टाइम इज वेरी वेरी शॉर्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है टाइम नीचे को आएगा, टाइम हमको कम टाइम के लिए हीट करने की जरूरत पड़ेगी, और इस पूरी जोन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल डाई, बिकॉज दिस इज अ डेथ जोन फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द विटामिन विल सर्वाइव, सो दिस इज अ लाइफ जोन फॉर द विटामिन। इसलिए HTST इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू LTLT। तो अब LTLT क्या है, ये जो ऑरेंज कलर का जोन मैंने यहां बनाया, दिस इज द LTLT जोन। LTLT मींस लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। अगर हम लोग किसी फूड को देखते हैं, सपोज 50 डिग्री पे मैं हीट कर रहा हूं, अब इसमें हो क्या रहा है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में देखिए आप विटामिन के लिए जब हम राइट हैंड साइड में जाते हैं तो कौन सी जोन है, डेथ जोन, यहाँ पे विटामिन मर रहे हैं, और पैथोजेंस के लिए क्या है, लाइफ जोन। इस जोन में क्या करेंगे, पैथोजेंस क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और विटामिन जो है वो मर जा रहे हैं। LTLT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, किसी भी फूड को लो टेम्परेचर पे लंबे समय तक हीट करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं मरने वाले भाई, लेकिन विटामिन आपके जरूर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए इट इज रिकमेंडेड दैट डोंट गो फॉर द LTLT प्रोसेस, इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द HTST प्रोसेस। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में जाएंगे तो वहां पे न्यूट्रिएंट्स रिटेन रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, लेकिन LTLT जोन में जाएंगे, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में अगर जाएंगे तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे सर्वाइव, वेयर एज द न्यूट्रिएंट्स विल बी डिस्ट्रॉयड, द विटामिन्स विल बी डिस्ट्रॉयड। सो इट दिस जोन इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल, ये जोन डिजायरेबल नहीं है, लेकिन ये जोन हमारे लिए डिजायरेबल है। HTST इज ऑलवेज डिजायरेबल, वेयर एज द LTLT इज नॉट डिजायरेबल, बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर लिविंग हेयर इन द LTLT जोन एंड द विटामिन दे आर डिस्ट्रॉयड। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको उल्टा चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए और विटामिन सर्वाइव करें, ऐसा हमको चाहिए। इसलिए वी हैव टू प्रेफर, वी शुड प्रेफर द HTST जोन, नॉट द LTLT जोन। तो मुझे समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों ने बीटेक एमटेक में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और भी उसके आगे भी बढ़ गए होंगे, उनको एग्जैक्टली कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा कि ऐसा होता क्यों है भाई कि न्यूट्रिएंट्स आर रिटेन्ड एंड द न्यूट्रंस आर डिस्ट्रॉयड एंड विटामिन आर रिटेन्ड एट हाई टेम्परेचर, बैक्टीरिया आर डिस्ट्रॉयड एंड द विटामिन आर रिटेन्ड एज एट द हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तो इसका रीजन जी वैल्यू, डिफरेंस इन द जी वैल्यू, आप याद रखिए। तो बड़ा सुंदर चीज है डिफरेंस इन जी वैल्यू। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ आपके कमेंट्स इसमें आएंगे तो मुझे कहिए, तो मैं उसको भी क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से डी वैल्यू, जी वैल्यू, एफ वैल्यू बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और डी वैल्यू इज द टाइम इन मिनट टू ब्रिंग अबाउट 90% रिडक्शन इन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, वेयर एज द जी वैल्यू इज टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस टू ब्रिंग अबाउट 1 log cycle रिडक्शन इन द डी वैल्यू, 90% चेंज इन द डी वैल्यू। डी वैल्यू में 90% चेंज करने के लिए जो टेम्परेचर इंक्रीज रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग जी वैल्यू बोलते हैं या जेड वैल्यू बोलते हैं, और एफ वैल्यू इज एन इंटू डी वैल्यू, एफ वैल्यू का यूनिट भी मेजरमेंट का मिनट्स ही है। तो ये चीज हमने देखी,
और जाना कि किस प्रकार से हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम बेटर, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम नुकसानदायक है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम बेटर है। हम लोग लिखते हैं कि साहब न्यूट्रिएंट्स आर रिटेन्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड, न्यूट्रिएंट्स आर रिटेन्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड, लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, कंसेप्चुअली बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो मैं समझता हूँ कि आज के वीडियो में डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेके डेफिनेटली आऊंगा। आप कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, या इसके बारे में कुछ और क्वेरीज आपके मन में हो तो वो भी आप लिख सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। एक इसके बाद डेफिनेटली इसमें न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल तो नहीं समझ पाते हैं, इसके बावजूद भी अगर न्यूमेरिकल करने को दे दूंगा तो नहीं आएगा, आज का वीडियो समझने के बाद भी नहीं आएगा। तो इसके लिए न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस करना, उसको कंसेप्चुलाइज करना, इसको अप्लाई करना, डी वैल्यू जी वैल्यू को प्रैक्टिकल सिचुएशन में बड़ा जरूरी है। उसके लिए एक दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, मैं उसके लिए एक नया वीडियो लेके आऊंगा। आज के वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। आप अपना ख्याल रखिए हमेशा और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।